Hello, students. Good morning, all of you. Okay. So, students, I'm your biology teacher, and uh, it is your first lecture, first lecture of biology class 9th. So, students, uh, I hope uh, all of you are okay and fine at your home. So, let's start uh, our first chapter that is. the fundamental unit of life, the fundamental unit of life. Okay. So, स्टूडेंट्स हम अपने चारों तरफ इतनी variety ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं इधर दे आर एनिमल्स और देआर प्लांट्स कितने सारे वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ये सभी क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं ठीक है तो इनमें क्या है, living है. तो इन इन लिविंग बींग्स में एक कहने को तो इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है uh, कोई सिमिलैरिटी हमें नहीं दिखाई देती अगर हम बाहर से देखें सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं लेकिन एक बेसिक चीज़ है जो इन सभी में कॉमन है वो बेसिक चीज़ क्या है जो इन सभी में कॉमन होती है दैट दे आर मेड अप ऑफ सेल्स ये सभी किससे बने हुए हैं सेल से बने हुए हैं ठीक है सेल क्या है इनकी बेसिक यूनिट है ओके तो अब इस चैप्टर में ये जो आपका चैप्टर वन हमने स्टार्ट किया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के कंटेंट क्या हैं एक तो सेल के बारे में हम पूरा आ, डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज सेल हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल थियोरी ठीक है और सेल शेप हैं सेल साइज हैं उन सभी को डिस्कस कर करेंगे इसी चैप्टर में सेकेंडली इसके बाद हम आ, जो आ, जो ये ऑर्गेनिज्म होती हैं या जो हम कहें कि सॉरी सेल होती है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है अब बात तो कर रहे हैं हम सेल की लेकिन मेनली ये बनी हुई किससे होती है ठीक है तो वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे लाइक सेल मेम्ब्रेन है आपकी सेल वॉल है न्यूक्लियस है ठीक है और आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो आपके प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं लाइक like, क्लोरोप्लास्ट uh, है माइटोकोंड्रिया है वैक्यूल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गोल्गी एप्रेटस क्रोमोसोम्स ठीक है ये सभी क्या हैं ये सब इन सभी के बारे में ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं और इन सभी के बारे में इनके स्ट्रक्चर इनके फंक्शन ठीक है ये सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ओके okay, तो ये चैप्टर हालांकि आप 8 क्लास में ये पढ़ कर रहे हैं सेल वाला चैप्टर आपने पढ़ा था एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स ये सभी आपने अपने 8 क्लास में पढ़ी थी ठीक है यहाँ हम उसको थोड़ा सा एलेब्रेट करेंगे इस चैप्टर को ओके okay, तो हर चीज़ को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से हर चीज़ को नोट डाउन भी करना है क्लियर दैट तो आ, कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ेंगे इसमें अपने पास सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे जो भी मैं आपको स्ट्रक्चर है या फिर उसके फंक्शंस हैं या कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उस, उन उन सबको अपने एक रजिस्टर में सेपरेट रजिस्टर में नोट डाउन करते जाएंगे ठीक है तो साइड बाई साइड आपके नोट्स भी बनते रहेंगे रेडी होते रहेंगे और आपको लर्न करने में भी ईजी हो जाएगा ओके तो आ, सबसे पहले ये डिस्कवरी सेल की किसने की थी किसने देखा था सबसे पहले सेल को ये सबसे पहले देखा था ये बाई चांस रॉबर्ट हुक ने देखा था रॉबर्ट हुक इन 1665 ठीक है उन्होंने क्या किया था एक जो बार्क होती है ना ड्री की बार्क होती है कॉर्क बनती है जिससे ठीक है तो उन्होंने एक कॉर्क का थिन स्लाइस लिया और उसको अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा एक क्रूड सा माइक्रोस्कोप था बहुत ही सिंपल सा उस टाइम पे इतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे ठीक है तो उसी माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने क्या देखा ही ऑब्जर्व दैम ए हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना इस तरह से आपको दिखाई देते हैं उसमें कंपार्टमेंट्स आपने कभी देखा हो ध्यान से ठीक है इस तरह के आपको कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं तो यही स्ट्रक्चर उन्हें उसमें भी दिखाई दी तो दैट मीन्स उन्होंने क्या बताया कि आ, जो लिविंग बिंग होते हैं वो सभी इन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर भरे हुए होते हैं जिन्हें कि हम सेल्स कहते हैं ठीक है सेल का मतलब क्या होता है लिटिल रूम एक छोटा सा कमरा सॉरी लिटिल रूम ओके okay. सेल्स बोलते हैं ना छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे रूम कंपार्टमेंट्स उनको हम सेल कहते हैं ओके okay. तो उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया ठीक है तो उसमें उन्होंने इसके बारे में अपने काम के बारे में पूरा एक डिटेल पूरा लिखा था सेल के बारे में अपनी सेल इस, इसके डिस्कवरी के बारे में ठीक है तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में कॉर्क एक लकड़ी का ही पीस होता है बार्क मैंने बोला ना ठीक है कॉर्क में देखा उन्होंने और उस टाइम पे बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप भी नहीं थे बेटा तो उन्होंने उनों, उन्होंने अपना ही एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था तो उन्हें इतना ही स्ट्रक्चर उस टाइम पर नज़र आया था ठीक है इनको उन्होंने सेल कहा ओके okay, अब उनकी डिस्कवरी उन्होंने की तो लेकिन उनकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी ठीक है ये आ, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट थी बिकॉज इट इंडिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड कंसिस्टेड ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर और यू कैन से स्मॉल यूनिट्स ठीक है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होते हैं छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं जिन्हें कि हम सेल कहते हैं क्लियर अब ये जैसे कि आप इसे आसानी से इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कोई बिल्डिंग है बड़ी सी बिल्डिंग है ठीक है आपका घर है या आपका स्कूल है आपने देखा होगा वो सभी किससे मिलकर बने हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है एक छोटी सी ब्रिक भाई बहुत सारी ब्रिक्स आपस में मिलती हैं तभी तो पूरी वॉल खड़ी होती है और दीवारें खड़ी होती है तो पूरी बिल्डिंग बनती है ठीक है चाहे वो आपका घर है या स्कूल है या अदर बिल्डिंग्स हैं तो इन सभी की छोटी सबसे छोटी यूनिट क्या है एक ब्रिक है इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या है सेल है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे शो द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दे आर मेड अप ऑफ द स्मॉल यूनिट कॉल्ड द सेल ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है सभी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं ओके कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी पढ़े हैं आपने जो केवल एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं जिनके अंदर केवल एक सिंगल सेल होती है दैट मीन्स दे आर यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज़म पढ़ा होगा आपने लाइक like, अमीबा uh, है आपका पैरामीशियम है कुछ बैक्टीरियाज हैं ओके ये सभी क्या हैं दे आर यूनीलुलर यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज़म लाइक अमीबा पैरामीशियम एट्सट्रा तो ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर मेडअप ऑफ ए मिलियंस ऑफ सेल्स जैसे कि हम हम के, केवल एक सिंगल सेल से नहीं बने हैं हम मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं सो दैट इज वाई वी आर कॉल्ड द मल्टी सेल्युलर मल्टी मतलब बहुत सारे ठीक है मल्टी सेल्स बहुत सारी सेल्स मल्टी ऑर्गेनिज्म। ओके आपके जैसे कुत्ते बिल्लियाँ आपके पेड़ पौधे ह्यूमन ये सभी क्या हैंज आर मल्टी ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं अब ये सभी सेल्स जो हैं ये मल्टी ऑर्गेनिज्म में एक आ, सिमिलर बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं अब जैसे कि आपके सिंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं तो चाहे वो सिंगल सेल का हो या फिर बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनाओ तो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि सेल्स परफॉर्म करती हैं जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए इसेंशियल हैं बहुत ज़रूरी हैं जैसे रेस्पिरेशन हो गया न्यूट्रिशन हो गया ठीक है एक्सक्रीशन हो गया ये सारे के सारे फंक्शंस किसमें होते हैं ये इसी सेल के अंदर होते हैं ओके okay, ये सभी हमारे जो बेसिक फंक्शन हैं बॉडी के वो सभी सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं क्लियर डेट तो सेल को हम क्या कहते हैं सेल इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चरल क्यों है क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बना रही है फॉर्म कर रही है स्ट्रक्चर सेल से ही मिलकर उसकी स्ट्रक्चर बनी है छोटी छोटी सेल से मिलकर और फंक्शनल क्यों कहा हमने उसे फंक्शनल इसलिए कहा क्योंकि जितने भी आ, बेसिक फंक्शन होते हैं बॉडी के वो सभी सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं क्लियर दैट सेल को हम किस में स्टडी करते हैं और यू कैन सी द स्टडी ऑफ सेल किस में स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी होती है इसके लिए एक डिफरेंट आपकी ब्रांच होती है आ, साइंस की सेल बायोलॉजी के अंदर आप इसको स्टडी करते हैं पूरी सेल को ओके okay.